मम्मी, हाँ जी, आज हमारे चौके में क्या हो रहा है? आज हमारे चौके में बन रही है मुरादाबादी दाल। मुरादाबादी दाल? हाँ, ओके, वो कैसी होती है ऐसी स्पेशल? उसमें ये स्पेशल होता है कि वो दाल नॉर्मल दाल की जैसे होती है, पर उसको स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और ओके, उसको चाट की तरह से भी खाया जाता है। अच्छा, तो इसको बनाने का तरीका अलग है, नॉर्मल हाँ, मूंग की दाल की तरह नहीं बनाते हैं। मसाले भी अलग हैं और बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए धुली मूंग की दाल। ओके, तो ये मैंने एक कटोरी ये वाली मूंग की दाल ली थी और 1 घंटे पहले भिगो दिया था, तो ये अब भीग के ओके, एकदम तैयार हो गई है। ओके, दाल के साथ हमें चाहिए हींग, पिसी अदरक, नींबू का रस, मक्खन, खड़ी लाल मिर्च, नमक, चाट का मसाला, काला नमक, भुना पिसा जीरा, और हम इसको सर्व करेंगे मट्ठी के साथ। नाइस। तो चलिए बनाते हैं। हाँ, अब सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे। ओके, तो हम बिना घी डाले इसको बॉईल करने चढ़ा रहे हैं। हाँ, और दाल का जो पानी है वो हमेशा जो भिगोया हुआ पानी है उसे यूज कर लेना चाहिए। तो दाल को अच्छे से धोने के बाद जिस पानी में भिगोया है वो पानी में ही हमने दाल चढ़ा दी है प्रेशर कुकर में। हाँ, अब हम इसमें डालेंगे हींग, अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग, सी अदरक और नमक। इसमें हल्दी नहीं डलती है और ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो थोड़ी हल्दी इस वक्त बॉईल करते हुए डाल दें। ओके। हम इसको 2 सीटी दे लेंगे। अब जितनी देर में हमारी दाल बनती है उतनी देर में हम दाल में डालने के लिए सूखी लाल मिर्च को फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा घी डाल के हल्का सा रोस्ट करना है हमें, इससे थोड़ी करारी हो जाए। ओके, ये मिर्ची अब फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। अब ये हमारी दाल बन गई है, गल गई है, तो इसको अब हम मैश कर लेंगे थोड़ा सा, और इसमें पानी डाल के इसको राइट कंसिस्टेंसी तक ले आएंगे। हमारी दाल गल गई है। यस, दाल गल गई हमारी। तो दाल में हमने पानी डाल के और इसको मैश करके और इसको राइट कंसिस्टेंसी तक ले आए हैं, इसको और बिल्कुल स्मूथ कर हाँ, लिया है। बिल्कुल स्मूथ कर लिया और इसमें एक उबाल दे लिया, और इसको अब हम सर्व करेंगे। अब इस दाल को सर्व करने के लिए हम मट्ठी को नीचे तोड़ लेंगे इसमें दोने में, उसके बाद इस पे हम गरम गरम दाल परोस देंगे। ये तो बड़ी डिफरेंट है। हाँ, यूजुअली बिना छिलके वाली मूंग की दाल ऐसी नहीं बनाई जाती है। और इसके ऊपर हम डालेंगे चाट का मसाला और डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना पिसा जीरा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस। नाइस। अब इसमें जरा सा दाल और डालेंगे इसके ऊपर। इसमें चाहे टेस्ट के हिसाब से, वैसे डलता नहीं है, चाहे तो सौंठ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। चाट का मसाला, ये जो मिर्च हमने क्रश भूनी थी या फ्राई करी थी उसको क्रश करके डाल दिया है। मिर्च को क्रश करके इस पे डाल दिया। अब इस पे गरम गरम दाल पे हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। वाह, स्मूथनेस आ जाएगी इससे बहुत। हाँ, अब इसमें ये हमने लगा दी मिर्च और इसके साथ लगा दिया हमने कड़ी पत्ता। ये तैयार हो गई हमारी चटपटी मुरादाबादी दाल। वाह,